सिने अभिनेता रजनीकांत को एक फैन ने ऐसा गिफ्ट दिया जिसके बाद उनके जीवन में हुआ चमत्कारी अनुभव उन्हें यहां खींच लाया। जानिए आगे। सिने अभिनेता रजनीकांत का द्वारा हाट योगदा आश्रम से रिश्ता चमत्कारी अनुभव से जुड़ा है। बताया जाता है कि दक्षिण भारत में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके प्रशंसक ने जब रजनीकांत को महावतार बाबा जी की फोटो भेंट की तो उनमें छिपी हुई आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत हो गईं। बाद में मित्र बी एस हरी के सहयोग से रजनीकांत की योगदा आश्रम पहुंचने की मुराद पूरी हुई। उन्हें हिमालय और गंगा मैया से भी खासा लगाव है। रजनीकांत के मित्र बी एस हरी ने बताया, अभिनय के साथ ही आध्यात्मिक प्रवृत्तियां पहले से ही जागृत थीं। एक प्रशंसक ने दक्षिण भारत में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत को महावतार बाबा की फोटो भेंट स्वरूप दी। उस समय तक रजनीकांत बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा की फोटो रखते ही उनमें छिपी हुई आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत हो उठी। तब से वे बाबा जी के बारे में जानने के लिए व्याकुल रहने लगे। इसी बीच रजनीकांत से उनकी भी मुलाकात हो गई। 1987 में बी एस हरी द्वारा हाट योगदा आश्रम पहुंचे और यहां के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। 2002 में पहली बार रजनीकांत को योगदा आश्रम लेकर पहुंचे। आश्रम के तत्कालीन संचालक स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज से उनकी मुलाकात कराई। महाराज ने रजनीकांत को महावतार बाबा और योगदा आश्रम के संस्थापक परमहंस योगानंद के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फिर स्वामी उन्हें पांडव खोली स्थित महावतार बाबा की पवित्र में गुफा में ले गए और वहां क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की। तब से आध्यात्मिक शांति के लिए रजनीकांत अक्सर यहां आते रहते हैं।